अप्रैल के लास्ट वीक में लगभग 28,000 मैक्सिमम केसेस आए थे, लेकिन अब ये 1,500 के करीब रह गए हैं। संक्रमण दर भी दिल्ली के अंदर अप्रैल के लास्ट वीक में 36% पहुंच गई थी, जो अब लगभग 2.5% हो गई है। तो ये वाली जो वेव है, ऐसा लगता है कि ये वाली वेव तो शायद अब कम होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन सरकार के प्रयासों में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। अगली वेव के लिए, जो तीसरी वेव कहा जा रहा है, उस वेव की हमने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे सिलेंडर्स हैं। ये 6,000 के करीब सिलेंडर्स हम लोगों ने चाइना से इम्पोर्ट किए हैं और 4400 सिलेंडर्स आ चुके हैं। 1600 सिलेंडर अगले 2-3 दिन के अंदर और आ जाएंगे। इन 6,000 सिलेंडर से अभी हम 3 जगह 2,000 सिलेंडर्स के डिपोज तैयार कर रहे हैं। इन डिपोज, ये सिलेंडर्स को अगर किसी को इंडिविजुअल को ज़रूरत होगी उसको भी दिया जा सकता है, और अगर दोबारा वेव आती है, कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, तो इन 6,000 सिलेंडर से हम लगभग 3,000 ऑक्सीजन बेड्स, एक बेड पे 2 सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है, 3,000 के करीब ऑक्सीजन बेड्स हम लोग तैयार कर पाएंगे। तो इस तरह से सरकार के प्रयासों में किसी तरह की कमी नहीं है। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है, और भी बहुत सारी हैं। सो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके, केंद्र सरकार इनसे सारा इम्पोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।